हेलो दोस्तों, चलिए ये जो है कि सीरीज है घटना चक्र का करंट अफेयर जो कि जनवरी मंथ का है, तो उसमें देखते हैं क्या है समसामयिक की क्वेश्चन। और ये आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। छः नवंबर 2020 को दूसरे कार्यकाल हेतु न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा जेसिंडा आर्डर्न ने। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर पता है यह कितना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको जो है कि रिवाइज कीजिए अच्छे से बार बार जितना भी है। देखिए करंट अफेयर कोई एक सिंपल एक सिंगल जो है कि सोर्स नहीं होता है, इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्स रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य के राज्यपाल द्वारा कोरोना वायरस पर विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित का लोकार्पण किया गया? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2020 को एशियन फिल्म अवार्ड्स एकेडमी द्वारा घोषित 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 के अंतर्गत किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीतकार का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन को जलवायु अनुकूल निवेश हेतु वित्त पोषण के क्षेत्र में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन GHE को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2020 को तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? तो देखिए ये मेजबानी हुआ था भारत में, भारत किया था और हुआ था नई दिल्ली में, इसमें अमेरिका और भारत के बीच में होता है 2+2 डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य आयोजित भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है बदलते विश्व में भारत का ऊर्जा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर होगा आसाम जोगी गोपा में। 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के प्रोसिक्यूटर्स जनरल की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल तुषार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2020 को भारत ने उड़ीसा तट स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य 8वां वार्षिक भारत आसियान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर है त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6 माह की अवधि वाले किस अधिनियम का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा मिशन शक्ति अभियान का। 15 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य किस देश की मेजबानी में G20 Youth 20Y शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब की मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म हेतु जीतने वाले किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया? जी हाँ, आंसर होगा भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का 14 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया, उनका संबंध किस नृत्य विद्या से था? तो आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य से।
14 अक्टूबर 2020 को भारत और फ्रांस के कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्रमशः अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2020 को भारत के किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन का शुभारंभ किया गया है? आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध कुल कितने दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर प्रतिबंध को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर होगा 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2020 को द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक 2020 में कहाँ संपन्न हुई? तो आंसर है टोक्यो जापान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2020 को एनसीईआरटी के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाधिर बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किनके बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह इसका सही आंसर है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एनसीईआरटी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेस का फुल फॉर्म हो गया रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किस शीर्षक से कॉफी टेबल बुक विमोचन किया गया? तो आंसर होगा असम की विरासत की खोज। ठीक है, इसका लेखक जो है पद्मपाणि बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया, इस टनल की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 9.02 किलोमीटर। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 1 अक्टूबर 2020 को केरल के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो आंसर है पलक्कर जिले में। अक्टूबर 2020 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जापान के वनस्पति विशेषज्ञ अकिरा मियावाकी द्वारा विकसित वनारोपण की मियावाकी पद्धति का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारतीय और भारतीय मूल के प्रवासी अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों के वर्चुअल सम्मेलन वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कब कहाँ किया गया? तो आंसर होगा 2 से 31 अक्टूबर 2020 के मध्य। अक्टूबर 2020 में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और KPIT पुणे महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का एकल पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा राफेल नडाल। ठीक है, जो कि स्पेन के है, कुल उसका 13वां खिताब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा राज्य सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला पूर्णतः डिजिटल राज्य बन गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। अक्टूबर 2020 के में भारत में के किस संस्थान ने वैज्ञानिक निश्वास में पाए जाने वाले ब्रेथ प्रिंट नामक बायोमार्कर की सहायता से पैक्टिक अल्सर के कारक जीवाणुओं का सिर पता लगाने की विधि की खोज की है?
तो आंसर होगा एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने COVID-19 नैदानिक परीक्षण मिशन व कॉपीरेप विकसित किया है? तो आंसर है IIT कानपुर खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 हेतु घोषित 44वें केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा जल्ली कट्टू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की महिला सरपंच ने सभी के लिए जल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आंसर होगा पंजाब के बठिंडा जिले के मेहमा भगवाना गांव की महिला सरपंच कुलविंदर कौर ब्रार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिथ्य क्षेत्र की किस कंपनी ने फिल्म अभिनेता सुनु सूद को अपने स्वच्छता अभियान सैनिटाइज बिफोर योर आइज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा ओयो। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर होगा केवड़िया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। अक्टूबर 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला प्राकृतिक मार्गदर्शिकाओं का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है कॉर्बेट रिजर्व टाइगर उत्तराखंड में। भारत सरकार ने किस संगठन में भारतीय वायुसेना IAF के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम विकसित किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है DRDO ने। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा महिला वैज्ञानिक के लिए विशेष रूप से डिजाइन एक योजना का शुभारंभ किया है, इस योजना का नाम क्या है? तो आंसर होगा सर्व पावर, फुल फॉर्म हो गया प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किस राज्य में एक नए जवाहर नवोदय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर होगा झारखंड का। भारत सरकार ने रेल मंत्रालय ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? आंसर होगा मेरी सहेली पहल का। अमेरिका के लुइस ग्लक ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट अपराध में 2019 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश 14.7%। 41वां सरला पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की है? यहाँ यह है प्रसिद्ध उड़िया कवि नित्यानंद नायक को, ठीक है, और उनका जो कविता है सेतवे लाखो नथिवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत के किस संस्थान ने वैज्ञानिकों में MGSCS नामक उच्च पैदावार वाले गेहूं की नई किस्म विकसित की है? इसका सही आंसर होगा आघारकर अनुसंधान संस्थान ARI पुणे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किए गए सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर इसका आंसर होगा साइन, फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में 450 मीटर लंबी नेफिचू सुरंग की आधारशिला रखी गई है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार। अक्टूबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल के देह वैचाकरणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। 2021 में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन के
प्रोसिक्यूटर्स जनरल की बैठक में मेजबानी कौन सा देश होगा? आंसर है भारत। भारत सरकार ने किसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर 2020 को। वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सहयोग को और बढ़ावा बढ़ाने के आह्वान के साथ ग्रेट चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। आंसर होगा 19 से 20 अक्टूबर 2020 के मध्य। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका सही आंसर है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली तथा गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान द्वारा घर से कोरोना देखभाल के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम आई मेडिक्स विकसित किया गया है? आंसर होगा IIT खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर होगा जतिन प्राण जपे और आनंद वासु द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 से 24 सितंबर 2020 को भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा पासेक्स अभ्यास का। 23 दिसंबर 2020 को भारतीय संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन कौन होगी? जी हाँ, इसका सही आंसर है हिंदी, उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2020 को जारी वर्ष 2019-20 हेतु प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ सत्र 2019-20 के दौरान प्रमुख कुल खाद्यान्न कितना होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर है 144.5 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2020 को किन दो देशों के बीच सीधी कार्गो फेरी डायरेक्ट कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो आंसर है भारत और मालदीव के बीच। 17 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की घोषणा के अनुसार फेड कप टेनिस में महिलाओं का विश्व कप बोला जाता है का नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर है बिली जीन किंग कप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को किस भारतीय राजनेता ने को चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 के आईजी ग्लोबल नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी को। 16 से 23 सितंबर 2020 के मध्य भारत के किस राज्य में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर होगा योशी हिंदे सुगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2020 को कौन सा देश संप्रभु STG बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आंसर है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया है, इसमें भारत किस अवधि तक सदस्य रहेगा? आंसर है 2021 से 2025 तक। 12 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है परेश रावल को। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है? आंसर है गुजरात। 11 सितंबर 2020 को किस भारतीय फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों की वकालत हेतु सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है आयुष्मान खुराना को।
सितंबर 2020 को फ्रेसर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 के तहत प्रस्तुत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 105वां। 10 सितंबर 2020 को भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक परियोजनाओं की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है 5-स्टार गांव योजना। 9 से 10 सितंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर है मॉस्को में हुआ था। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? आंसर है मध्य प्रदेश। 9 सितंबर 2020 को देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुभारंभ किन स्टेशनों के बीच किया गया? आंसर होगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश और आदर्श नगर नई दिल्ली के बीच। 9 सितंबर 2020 को भारत के किस राज्य में जोखिम खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश। 9 दिसंबर 2020 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईज 2.0 सूचकांक के परिणाम के अनुसार किस बैंक ने पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। 8 सितंबर 2020 को प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन और फिक्की के द्वारा। 7 सितंबर 2020 को DRDO ने ओडिशा के विलर द्वीप से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन के उड़ान प्रशिक्षण के साथ किस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में महारत हासिल की है? आंसर होगा हाइपरसोनिक वायु श्वसन स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन में। 6 सितंबर 2020 को किस मशहूर महंत का निधन हो गया जिनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय दिया? जी हाँ, इसका सही आंसर है केशवानंद भारती। 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? आंसर है आंध्र प्रदेश को। 4 से 5 सितंबर को भारत और रूस की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में किस युद्ध संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है? आंसर होगा इंद्रनेवी, जो कि 11वां संस्करण था। 3 सितंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से 5वीं ब्रिक्स संस्कृतियां मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो रूस संघ की अध्यक्षता में। 2 सितंबर 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कॉर्नेल विश्वविद्यालय तथा GII ज्ञान भागीदारों में 2020 द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 131 देशों में भारत की स्वीच स्थान क्या है? तो स्थान है 48 स्थान पर है। 2 सितंबर 2020 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि UK को है। ये लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है। 1 सितंबर 2020 को किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है राजीव कुमार को। सितंबर 2020 में भारत की 21 राज्य सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। सितंबर 2020 में भारत के किस राज्य में छात्रों को प्रवेश संबंधी प्रश्नों समाधान के लिए एक शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबैक आपका मित्र लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। 4 अभियान के तहत 3रा राष्ट्रीय पोषण माह कब आयोजित किया गया? आंसर है सितंबर 2020 में। 2020 में क्रोशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजकुमार श्रीवास्तव को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विवाद के समाधान हेतु सिंगापुर मध्यस्थता अभिश में कब से प्रभावी हुआ? आंसर है 12 सितंबर 2020। सितंबर 2020 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 48वें वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? आंसर होगा पी इनियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट स्ट्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है पोप फ्रांसिस। किसके द्वारा संयुक्त रूप से शॉर्ट चैप्टर 25 के शुरू होने की घोषणा की गई है? आंसर है नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 22 सितंबर को। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी इकाइयां सतत जलवायु कार्रवाई हेतु कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल की जाएगी? आंसर है 5। ये कौन कौन सा देखिए, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL और GAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो आंसर है हीरानगर कठुआ में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के द्वारा। सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार द्वारा तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? आंसर है दोहा कतर में। टाइम्स मैगजीन द्वारा 2020 के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने किस देश के साथ वाशिंगटन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है इसराइल के साथ। अक्टूबर 2020 में ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी द्वारा देश के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल प्रदान किया है? आंसर है 8। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? आंसर है श्री सिद्ध रोमा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के एक समूह द्वारा मरीजों को और अधिक आसानी से सांस लेने में मदद करने हेतु अपनी तरह का पहला हेलमेट सदृश वेंटिलेशन डिवाइस श्वासनेर विकसित किया है? आंसर है IIT भुवनेश्वर के छात्र द्वारा। सितंबर 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस भारतीय उपक्रम ने मैगलेव ट्रेन को भारत में लाने के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है? आंसर है वेल। US ओपन 2020 में के दौरान प्रतियोगिता के इतिहास में एकल वर्ग में सबसे अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी पुरुष या महिला कौन बनी है? आंसर है सेरेना विलियम्स। सितंबर 2020 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है? आंसर होगा एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। किस बैंक द्वारा जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण उत्पादक सफल को लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। 2020 अमेरिका भारत अमेरिका 22+2 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस तिथि को किया गया है? 11 सितंबर 2020 को। अपने तरह का सबसे बड़ा पिग्री मिशन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है मेघालय में। भारत में पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर है केरल में। महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने हेतु कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सोनामुरा दौंद कंडी अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा? आंसर है त्रिपुरा को। 1 गैर लाभकारी संगठन USISPF द्वारा 31 अगस्त से 4 अगस्त 2020 के मध्य
आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष संबोधन किया दिया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? आंसर होगा, अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियाँ। 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? आंसर है गुवाहाटी असमपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो दोस्तों ये जनवरी मंथ का समसामयिकी था घटनाचक्र का, जो कि कंप्लीट हो गया अपने, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।